नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। ये सिद्धपीठ श्री बाबा कल्याणगिरी मंदिर है जो पुरातन बहुत जूना, इसमें हर साल शिवरात्रि पे विशेष पर्व काल का मनाया जाता है। वैसे तो वर्षों में और बड़े से पर्व मनाए जाते हैं लेकिन शिवरात्रि विशेष रूप से मनाई जाती है। इसमें कल सवेरे शिवरात्रि के पवित्र पर्व काल पे 4 बजे तो मंदिर खुल जाता है, 4 से 5 बजे तक 1 घंटा आरती होती है मंदिर की। तो इसमें विशेष अपने जो रोज आने वाले भक्त होते हैं वो होते हैं, उसके 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक लमसम 40 से 50 तादाद में भक्त आएंगे, सेवा दर्शन अपने जो शिवरात्रि का मनाया जाता है। इतनी बड़ी संख्या में भक्त आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालु दर्शन के लिए उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? इसमें तो पहले प्रथम मंदिर की तरफ से अपने सेवाधारी लगे हुए और CCTV कैमरे की भी व्यवस्था है, जिससे कोई घटना घटती तो तुरंत पता चल जाता है। और शासन प्रशासन से भी व्यवस्था हर की जाती है, क्योंकि इस शिवरात्रि के विशेष पर्व को मनाते हुए 21 साल मंदिर को हुआ है, तो 21 सालों से शासन प्रशासन राजकीय क्षेत्रों से पूरा सहयोग मिलता है और इस साल से भी इसी तरह सहयोग मिलेगा, वो उसमें काम भी लग जाएंगे। शिवरात्रि का विशेष पर्व पर बारात निकलती है हर वर्ष की बात थी, क्या इस वर्ष की बारात में और क्या क्या बारात में चेंजेस, क्या क्या बदलाव किए गए हैं बारात में? इस बार तो विशेष भगवान शिव जी की जो बारात, मतलब शिव जी का विवाह है, और विवाह क्या ये पर्व है, महीने की हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन साल की जो माघ महीने की शिवरात्रि होती है, ये शिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती जी का मिलन है, उस मिलन के विशेष पर्व से उनकी बारात ऐसी निकाली जाती है। उसमें भूत प्रेत गण बनाए जाते हैं, उसमें भगवान शंकर का कैलाश पर्वत बनाया जाएगा इस बार का, और उसमें भगवान शंकर रहेंगे, एक पर्वत पे माता पार्वती का आगमन वो सब दिखाया जाएगा, और सभी देवताओं को भी उसमें सजावट कराते हुए उनके हर देवता इंद्र है, भगवान विष्णु है, ब्रह्मा है और उनके घर, ये सब विशेष। इस बारात में लगभग कितने श्रद्धालु लोग रहेंगे? 25 से 30 हज़ार तक तो श्रद्धालुओं की संख्या हर साल होती है। अच्छा। साल भी उतनी उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस साल तो कथा में भी पूरा बहुत बहुत से भगत आ रहे, बहुत संख्या में उसका आनंद ले रहे, उससे तो इस साल ज़्यादा। बारात कल्याणगिरी मंदिर से निकल कर कहाँ को जाएगी? यहाँ से कल्याणगिरी मंदिर से पहले निकलेगी, बालागंज चौराहे जाएगी, वहाँ से वापस कोनेश्वर चौराहा होते हुए बड़े अपना चौक चौराहा जाएगी, वहाँ से वापस फिर शाम को 6 बजे आके कथा का और इसका बारात का ही विश्राम हो जाएगा।